दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोपोसो ऐप के बारे में। कुछ लोगों का ये कहना है रोपोसो ऐप पे हम जब वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, यदि होता भी है तो 1 से 2% तक अपलोड होता है, इसके बाद फिर से हमें बैक हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है कब तक सॉल्व हो पाएंगे या फिर रोपोसो ऐप में न्यू अपडेट कब तक आने वाले हैं, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, जब भी कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च होता है तो ये एक नॉर्मल एप्लीकेशन होता है। आपको नहीं पता, जब टिकटॉक एप्लीकेशन इंडिया में या फिर अन्य देश में जब लॉन्च हुआ था तो रोपोसो ऐप से भी कंडीशन खराब था, यानी कि वर्क पूरी तरह से नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन धीरे धीरे ग्रो किया था तो इस एप्लीकेशन में इसमें न्यू अपडेट आ रहे थे और जो भी प्रॉब्लम आ रहे थे वो प्रॉब्लम को फिक्स किया जा रहा था। तो कुछ टाइम में ही टिकटॉक एप्लीकेशन का तेजी से पॉपुलर हो गया था इंडिया में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रोपोसो ऐप में जो प्रॉब्लम आ रहा है प्रॉब्लम को फिक्स नहीं किया जा रहा है, धीरे धीरे प्रॉब्लम को फिक्स किया जा रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि रोपोसो ऐप में वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रहा है और रोपोसो ऐप में न्यू अपडेट कब आएंगे। रोपोसो ऐप पहले जो था, जब टिकटॉक इंडिया में बैन नहीं हुआ था तो पूरी तरह से वर्क कर रहा था। लेकिन जैसे ही इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ है, यानी कि जितने भी टिकटॉक यूजर था सारे के सारे रोपोसो ऐप यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो रोपोसो ऐप का जो सर्वर है उस सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा लोड हो चुका है। ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से रोपोसो ऐप पे आप लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, जो बार बार ट्राई कर रहे हैं रोपोसो ऐप पे वीडियो अपलोड करने के लिए उनका वीडियो अपलोड हो रहा है, जैसा कि आप भी देख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आपको फिक्स कैसे कर सकते हैं जिससे आपको जल्द से जल्द रोपोसो ऐप पे न्यू अपडेट आए और जो भी हमारे अपलोडिंग की प्रॉब्लम जो आ रहा है प्रॉब्लम सोल्व हो पाए। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बस एक ही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपल आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च बार में सर्च कर लेना है रोपोसो ऐप, और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको एक आएगा डेवलपर कॉन्टेक्ट का, तो सिंपल उस पर क्लिक करना है, स्टार देना होता है, यहाँ पे 5 स्टार या 4 स्टार आप दे सकते हैं। इसके बाद आपके रोपोसो ऐप में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लॉगिन प्रॉब्लम आ रहा है, वीडियो अपलोडिंग प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है सिंपल आपको टाइप करना है और यहाँ पे आपको मेल कर देना है, यानी कि पोस्ट कर देना है। जैसे इस तरह से आप लोग करते हैं रोपोसो ऐप के टीम के पास ईमेल जाएंगे और उन्हें लगेगा कि रोपोसो ऐप पे ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो कोशिश करेंगे कि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द फिक्स करने का। यदि आप इस तरह से करते हैं तो आप लोगों को जल्द से जल्द प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अभी मेल किया और 10 मिनट में आपका प्रॉब्लम फिक्स हो गया, भाई यहाँ पे टाइम लग जाते हैं। आपका मेल जाएंगे, वो रिसीव करेंगे, इस प्रोसेस पर फिर काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 से 5 दिन 10 दिन भी लग सकता है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने में। वीडियो अपलोडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्द फिक्स कर दिया जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम ने टिकटॉक की तरह सेम फीचर से लॉन्च कर दिया है। जो रोपोसो ऐप पे जो अपलोडिंग के प्रॉब्लम आ रहे थे तो सारे यूजर जो है अब देख लेना इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे भी आप वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप टिकटॉक में वीडियो देख सकते थे उसी प्रकार यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल में ही अपडेट किया है इंस्टाग्राम ने। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, इस टॉपिक्स पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।